दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का फिर से स्वागत है नई वीडियो में। तो इस वीक में आप लोग के बीच में ज़्यादा वीडियो नहीं आया क्योंकि टाइमिंग का बहुत अभाव है, हमारे पास टाइमिंग नहीं मिल पाता है क्योंकि ड्यूटी के पीरियड में तो वीडियो बन नहीं पाता है और थोड़ा सा हार्ड वर्क है और थक जाते हैं, फिर वीडियो बनाने का इच्छा नहीं होता। तो काफ़ी लोगों का मैसेज है, कमेंट है भैया कि फ़ोन रिसीव नहीं करते, तो काफ़ी शिकायत है फ़ोन के ऊपर रिसीव नहीं करते। तो दो तीन दिन से मेरा कंटिन्यू लोगों से बात ही चल रहा है, जिनका फ़ोन रिसीव हो जाता है उनसे बात होती है और काफ़ी लोगों से बात हुआ। काफ़ी लोगों का जो है कि मैंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई भी कर दिया, काफ़ी लोगों का जो है कि कॉन्ट्रैक्ट आ भी गया है, उनको मैं सेंड कर दिया हूँ और काफ़ी लोगों का बाकी है तो उनका भी आ जाएगा। बस आप लोग से यही कहना भैया कि इस समय आप लोगों के लिए काफ़ी मैं व्यस्त रहता हूँ और यूट्यूब पे आप लोगों के बीच में जो है कि वीडियो नहीं आ पाता है। तो दोस्तों बस आप लोग से ऐसा ही प्यार बना रहे, लोग कंटिन्यू फोन करें, लोगों से बात करें, लोगों का जो क्वेश्चन है उसका जवाब दें, जो उनको जानकारियाँ चाहिए वो उनके दें। तो ऐसे सिलसिला चलते रहा है, कल पूरा संडे था, पूरा दिन व्यस्त थे, लोगों से बात किए, लोगों से उनका क्वेश्चन था उनका जवाब मिला उनको, तो इसके पीरियड में टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए। और आज भी शाम हो गई है ड्यूटी से आए और तब से बात ही चल रहा था, तो आज वीडियो बना रहे हैं आप लोग के बीच में। तो बस आप लोग जो मुझे डॉक्यूमेंट दिए हैं उन दोस्तों को यही कहना भैया कि आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, सब्र कीजिए, आप लोगों का काम होगा। तो काफी लोगों का धीरे धीरे जो है कि निकल रहा है, आ रहा है, क्योंकि जो हमने पहले अप्लाई किया था एक महीना पहले, 10 दिन पहले, तो कभी कभी कोई कंपनियां जल्दी देती है, कोई कंपनियां नहीं देती है, तो धीरे धीरे मिलेगा आप। तो आज जैसे 2 लोगों का आया है, कल भी आने वाला है, चार पांच लोगों का, तो ऐसे सिलसिला चल रहा है, तो आ रहा है। तो बस आप लोग को यही कहना है कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए ताकि मैं आप लोग का काम करवा सकूं। तो और जो पहले जिनका इंटरव्यू हुआ था, जिनका और परमिट आ गया, उनका जो है कि आज सबमिशन भी हो गया, कल भी सबमिशन है और 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को भी सबमिशन है लोगों का। तो अभी सबमिशन का भी सिलसिला काफी लोगों का चल रहा है, जिनका और परमिट निकल चुका है उन लोग सबमिशन के लिए रेडी हैं और आज से जो है, आज भी सबमिशन हुआ, कल भी होगा, तो लोग जा रहे हैं दिल्ली, जो अपॉइंटमेंट मिला है उस अपॉइंटमेंट पे जाके अपना सबमिशन करवा रहे हैं। काफी बंदे का ऐसे सवाल है कि भैया विपक्ष बंद है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, पर ऐसा नहीं है, अपॉइंटमेंट मिल रहा है। आप लोग जो है कि जिनके पास वर्क परमिट आ चुका है अपना अपॉइंटमेंट लेके सबमिशन करवा लीजिए, क्योंकि अभी काफी बंदे क्रोशिया आने वाले हैं और आ रहे हैं और यहाँ आके थोड़ा सा कई लोग जो ओपन वर्क परमिट पे आ जाते हैं वो लोग थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि क्रोशिया तो आ जाते हैं पर उनको जॉब नहीं लग पाता है, टीआरसी तो बन जाता है पर काम नहीं मिलता है, ऐसे सिलसिला चलता है यहाँ पे भी। तो 2-3 दिन से अभी सिलसिला चल रहा है, काफी लोग मुझे फोन किए कि भैया कहीं काम बताइए, काम बताइए, तो उनका भी काम चल रहा है, उनको काम ढूंढना है, उनको लगाना है काम पे, तो उनका भी देखना है। तो समस्या इंडिया में नहीं है, समस्या यहाँ भी है, यहाँ पे लोग आके भी उनका काम नहीं हो पाता। तो ठीक है, अभी शाम हो गई है, हम लोग का खाना बन रहा है और आप लोग के बीच में हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग को सोचा बैठे बैठे थोड़ा सा जानकारी दे दें। काफी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो दोस्त हैं, जो अप्लाई किए हैं, वो लोग वेटिंग में हैं, डेली फोन करते हैं, डेली उनको अपडेट चाहिए, अपडेट दे नहीं पाते हैं, तो वीडियो के माध्यम से सबको बता देते हैं कि आप लोग का जो लोग पेपर दिए हैं उनका काम प्रोसेस में है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे सबका हो जाएगा। तो बस आप लोग को यही करना है कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए और जैसे आता है वैसे आपका हम आपको सेंड करते हैं। और इस समय काफी वैकेंसियां हैं मेरे पास, जो बंदा पेंटर काम करता है, जिप्सम बोर्ड का काम करता है, सेटिंग कारपेंटर काम करता है और स्टील फिक्सर काम करता है, उनके लिए जॉब है, और टाइल्स वाला भी, यानी कंस्ट्रक्शन फील्ड में ज्यादा, और उसके बाद डिलीवरी बॉय में भी है। इस वीक में नहीं, अगले वीक में इंटरव्यू दोबारा है, जो बंदा अभी डिलीवरी बॉय में आना चाहेगा, जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, वो आ सकता है, इंटरव्यू दे सकता है। उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए,
पीसीसी चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, रिज्यूम चाहिए और फोटो, इतना डॉक्यूमेंट तैयार करके मुझे दीजिए तो आप लोग का मैं जो इंटरव्यू करवाऊंगा। तो दोस्तों यदि आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड में आना है तो उसमें आ सकते हैं। बाकी जो है कि ऐसे लोग बताते हैं कि फिश पैकिंग है या फ्रूट पैकिंग है, बाकी वेयरहाउस का काम है, इस सब जो जॉब है ये सब बहुत कम है, ज्यादातर कंस्ट्रक्शन का है और डिलीवरी बॉय का। इस समय तो जो बंदा डिलीवरी बॉय में आना चाहता है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, वो आ सकता है और आके यहाँ पे पैसे कमा सकता है और यहाँ पे सेट भी हो सकता है, क्योंकि उसमें काफी अच्छा मौका है घूमने के लिए, सिटी में घूमने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। तो ठीक है, आप लोग जिन दोस्तों का जिन भाइयों का डॉक्यूमेंट रेडी है, अपना डॉक्यूमेंट एक ही पीडीएफ फाइल बना के मुझे सेंड कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो आप लोग को इस मोबाइल के अंत में, लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस पर आप डायरेक्टली जो फोन कीजिए, व्हाट्सएप कॉल कीजिए और मैसेज कीजिए। यदि टाइम मिलेगा मुझे तो आप लोग को मैं रिप्लाई भी करूंगा और फिर रिसीव भी करूंगा। अगर टाइम नहीं मिला, मैं बिजी रहा, तो शायद आपका रिसीव फोन नहीं कर पाऊंगा। तो बस आप लोग यही कहना है भैया कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि क्रोशिया का आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और क्रोशिया के बारे में सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, आप रेडी रहिए, तैयार हैं आपका काम करवाने के लिए। तो ठीक है, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।